फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। दोस्तों, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें भी इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करना सिखाइए। तो दोस्तों, फाइनली मैं वीडियो ले आया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एडिट करने के लिए मैं जो भी चीज़ें यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको ईजिली डाउनलोड कर पाओगे। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को एडिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप छोटे मोटे मतलब स्टेप मिस कर देते तो आप वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आके 16:9 का रेशो ले लेता हूँ अपने काइन मास्टर में। तो मीडिया में जाने के बाद मैं अपनी ओरिजिनल फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। पहले इसकी ऑडियो ऑफ कर देता हूँ, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन हो गया। दोस्तों, मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की है, आप खुद देख सकते हो। और दोस्तों, मुझे इसमें एक इफ़ेक्ट बहुत अच्छा देखने को मिला कि जब मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा था और पीछे से थोड़े पक्षी आ गए, तो इसमें वीडियो थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो गई। तो चलिए वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, जैसे कि मैंने आसमान की तरफ देखा, मैं यहाँ पर जाके इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लेयर पर जाता हूँ, एक लेयर ले लेता हूँ। और दोस्तों, जो लेयर ले रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको ईज़िली डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ से मैंने ये लेयर सेलेक्ट कर ली। अब मैं इसको कर लेता हूँ पूरा फुल स्क्रीन, ओके। तो इस लेयर पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं ब्लाइंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, इसको कर देता हूँ ओवरले, ठीक है। ओवरले किया, इसको मैं थोड़ा कोई और देखते हैं स्क्रीन, नॉप, इसको ओवरले ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको सेटअप करना है, ठीक है। हमने जितने भी जो बिजली कड़क रही है इसको हमने सिर्फ आसमान पे सेटअप करना है, ठीक है। पहली बिजली कहाँ से कड़क रही है, यहाँ पे आई, एक मिनट, हमने देखने पहली वाली बिजली ये यहाँ पे कड़क रही है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से पहले मैं इसको थोड़ा क्रॉप करता हूँ यहाँ तक। इसको मैंने यहाँ पर स्प्लिट कर लिया। अब इस लेयर को लिया जो ये बिजली कड़की, इसको मैं थोड़ा छोटा करके इसको यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे करके। अब इसको मैं घुमा लेता हूँ, आपने अपने हिसाब से सेटअप करना है, ठीक है। फिर इसको मैं पिंच करके इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, बड़ा कर दिया इसको। हाँ, अब हमें जो बिजली कड़क रही है इसको थोड़ा डार्क करना है। हम जाएंगे कलर एडजस्टमेंट में, ठीक है। अब वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपना इसको थोड़ा डाउन कर लेंगे। हाँ, ये थोड़ी डार्क हो गई, इसको थोड़ा कर लेते हैं डाउन, इसको थोड़ा इतना ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। अब इसको प्ले करके देखते हैं, थोड़ा डार्क हुआ, यहाँ से डार्क हो गया। अब ये बिजली कड़क रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम थोड़ा कट कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड बिजली किस जगह से कड़क रही है, कड़क रही है, हाँ ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा यहाँ तक इसको स्प्लिट कर लेते हैं। अब इस लेयर को लेते हैं, ये वाली लेयर आ गई। अब इसको अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट करेंगे। दोस्तों, आपकी वीडियो जैसे भी बनी हो, बस आपने इसको एडजस्टमेंट करनी है अपने हिसाब से, जिसमें ये बहुत अच्छी लगे उसी अपने हिसाब से देख लेना कि आपकी वीडियो किस टाइप से बनी है, और इसी टाइप से इसको एडजस्ट कर लेना। टाइप से देखिए, जहाँ इसको मैंने ऐसे लगाना है। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, अब मैं इसको प्ले करता हूँ, एक कड़की, अब बीच में थोड़ा गैप आया, ये दूसरी कड़की, तीसरी कड़की, ये चौथी, पांचवी। आपने दोस्तों, अगर मैं इसको करने बैठा तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको एक लेयर को गायब कर देता हूँ, और बीच का जो गैप है इसमें मैं दूसरी लेयर डाल देता हूँ, ठीक है।
और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये पिक आ गई, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसको फुल साइज कर लिया, ठीक है ना। अब ब्लाइंडिंग के ऑप्शन में जाते हैं, वो ले करके देखते हैं ना, मल्टी ना स्क्रीनिंग, स्क्रीन हो गया। अब इसको ओके कर देते हैं और साइड साइड पे जैसे कि इसकी आउटलाइनिंग आ रही है, इसका भी इलाज बताता हूँ। क्रॉप पे जाना है, बॉक्स सेलेक्ट करना है, इसको हम थोड़ा क्रॉप कर लेंगे। ओके, क्रॉप कर लिया। अब जो वाइट वाइट दिख रहा था वो नहीं दिख रहा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। अब ये तो पिक चल रही है ना, यहाँ पे मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे ये पिक की चल रही है, ठीक है। इस पर इफ़ेक्ट कैसे लगाएं अब वो मैं बताऊँगा। ये ओवरऑल पे गए, इस पर हम फ्लिकर पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इन फेड पे कर देंगे, इसको फेड पे, ठीक है। अब मैं प्ले करके बताता हूँ कि ये कैसा इफ़ेक्ट बना है। ये हुआ, फिर ये ऐसे, तो आप देख सकते हो कितनी मस्त वीडियो एडिटिंग हुई है। तो दोस्तों अब बात आती है, जो मैंने पिक भी लगाई है बैकग्राउंड में, अब लेयर पे जाके कोई भी पिक सेलेक्ट कर सकते हो। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, फिर आप कमेंट करोगे सर हमें पता नहीं चला। दोस्तों प्राइवेट पिक है, चलो ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मुझे इनकी पिक लगानी है, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको रोटेट कर लेता हूँ। और मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, इसको हमने सर्कल में क्रॉप करना है, ठीक है, ऐसे करके सर्कल में। दोस्तों आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जिस टाइप का आपको इफ़ेक्ट चाहिए, ठीक है, टिक कर देना। ये हो गया, अब फिर से क्रॉप पे क्लिक करना है, इसका फैदर सेट करना है हमने, इसको हम बिल्कुल लो कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये ऐसा हो गया। अब हम इसको थोड़ा अपनी वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। वेट 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 वेट, थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, इसको दूसरी तरफ घुमाना है। इसको हम कर देंगे ब्लाइंड, ओवरले ना, मल्टी ना, सॉफ्ट स्क्रीन ना, हार्डर ना, लाइटिंग डार्क लिटन, ठीक है। इसको हम कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है। सेंड टू बैक होगा, अब देखो इसका इफ़ेक्ट कैसा लग रहा है। अब हम इसको ओवरऑल पे जाके इसको फ्लिकर कर देंगे ना, इसको पर्ल्स कर देंगे, ठीक है। अब वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको। प्ले किया, वो दोस्तों बनी ना जबड़ा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ही सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज़ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और दोस्तों बस इतना ही।